मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू टीच यू सब्जेक्ट ENV चैप्टर 2 टाइप्स ऑफ फैमिली। ओके, तो हम लोगों ने लास्ट टाइम सीखा टाइप्स ऑफ फैमिली, तो उसके अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, तो हमारा क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन और टू वर्ड्स। तो हमें क्या करना है, जो क्वेश्चन दिया है उसके आंसर वन और टू वर्ड्स में लिखने हैं। ओके, और आपको ये सब लिखना है अपनी बुक्स में। ओके, स्टार्ट। ए WHATE वॉट, IS अ, SMALL स्मॉल, FAMILY फैमिली क्वेश्चन मार्क। ओके, वॉट इज अ स्मॉल फैमिली, स्मॉल फैमिली मतलब क्या, तो उसका आंसर क्या आएगा, अ SMALL स्मॉल FAMILY फैमिली, IS अ FAMILY फैमिली, WHICH वीच, HAS हैज, तो स्मॉल फैमिली मतलब क्या, उसमें कौन कौन होता है, फादर FATHER फादर, MOTHER मदर, एंड CHILDREN चिल्ड्रन। तो स्मॉल फैमिली मतलब क्या, अ स्मॉल फैमिली इज अ फैमिली विच हैज फादर मदर एंड चिल्ड्रन। तो स्मॉल फैमिली मतलब वो फैमिली जिसमें पापा मम्मी और बच्चे होते हैं। ओके, नाउ बी, व्हाट इज अ LARGE लार्ज, FAMILY फैमिली, व्हाट इज अ लार्ज फैमिली, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो उसका आंसर क्या आएगा, अ LARGE लार्ज, FAMILY फैमिली, HAS हैज, लार्ज फैमिली में क्या क्या आता है, फादर FATHER फादर, MOTHER मदर, UNCLE अंकल, AUNT आंट। तो लार्ज फैमिली में कौन कौन आता है, फादर मदर अंकल आंट। ओके, एंड THREE और MORE मोर, CHILDREN चिल्ड्रन। तो लार्ज फैमिली में क्या क्या आता है, फादर मदर अंकल मतलब चाचा, आंट मतलब चाची, एंड चिल्ड्रन मतलब बच्चे। तो लार्ज फैमिली किससे बनती है, लार्ज फैमिली मम्मी पापा चाचा चाची एंड उसके बच्चों से बनती है, मतलब थ्री से ज़्यादा बच्चे हो तो कौन सी फैमिली बनती है, लार्ज फैमिली। नाउ सी, ओके, तो नाउ सी में क्या है, WHATE वॉट, IS अ JOINT जॉइंट फैमिली, व्हाट इज अ जॉइंट फैमिली, जॉइंट फैमिली मतलब क्या, अ जॉइंट फैमिली हैज GRANDE ग्रैंड, PARENTS पेरेंट्स, हैज ग्रैंड पेरेंट्स मतलब दादा दादी, पेरेंट्स पेरेंट्स, ओके, PARENTS पेरेंट्स, BROTHERS ब्रदर्स, एंड SISTERS सिस्टर, UNCLE अंकल मतलब चाचा, AUNT आंट, एंड कजिन्स, ओके, COUSINS कजिन्स। तो जॉइंट फैमिली में कौन कौन होता है, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स मतलब मम्मी पापा, ग्रैंड पेरेंट्स मतलब दादा दादी, ब्रदर्स मतलब भाई, सिस्टर्स मतलब बहन, अंकल मतलब चाचा, एंड आंट मतलब चाची। तो जॉइंट फैमिली में ये सब मेंबर्स होते हैं, तो आपको ये सब लिखना है अपनी बुक्स में। डी, नेम, NAME नेम, ONE FESTIVAL फेस्टिवल्स, डैट THAT डैट, YOUU हैव, CELEBRATE दी सेलिब्रेटेड, TOGETHE आर टुगेदर विथ योर फैमिली। कौन सा फेस्टिवल हम लोग अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हैं, तो हमें ब्रैकेट में ऑप्शंस दिए हैं, DIWALI दिवाली,
पोंगल, PONGL पोंगल, CHRISTMAS क्रिसमस, ईद। तो हम लोग इनमें से कौन सा फेस्टिवल अपने फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हैं? दिवाली। तो DIWALI दिवाली। नाउ ई, WHAT वॉट, ISEs, YOUR, MOTHER मदर्स, MOTHER मदर कौन? मम्मी की मम्मी को क्या बोलते हैं? माय मदर्स मदर इज कॉल ग्रैंड मदर। माय मदर्स मदर इज कॉल ग्रैंड मदर। ओके, मम्मी की मम्मी को वो दादी बोलते हैं, और दादी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रैंड मदर। ओके, तो आपको ये सब लिखना है। डी, नेम, NAME नेम, ONEVON, FESTIVAL फेस्टिवल्स, डैट, DHAT डैट, YOUU हैव, CELEBRATE सेलिब्रेटेड, TOGETHER टुगेदर विथ योर फैमिली। कौन सा फेस्टिवल हम लोग अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हैं? तो हमें ब्रैकेट में ऑप्शंस दिए हैं, DIWALI दिवाली, पोंगल, PONGL पोंगल, CHRISTMAS क्रिसमस, ईद। तो हम लोग इनमें से कौन सा फेस्टिवल अपने फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हैं? दिवाली। तो DIWALI दिवाली। नाउ ई, WHAT वॉट, ISEs, YOUR, MOTHER मदर्स, MOTHER मदर कौन? मम्मी की मम्मी को क्या बोलते हैं? माय मदर्स मदर इज कॉल ग्रैंड मदर। माय मदर्स मदर इज कॉल ग्रैंड मदर। ओके, मम्मी की मम्मी को वो दादी बोलते हैं, और दादी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रैंड मदर। ओके, तो आपको ये सब लिखना है।